बीरपुर पुलिस ने बिजली मीटर ठगी के मामले में पटना से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। आपको बता दें, बीरपुर थाना की पुलिस ने बिजली मीटर लगाने के नाम पर थाना क्षेत्र के दो लोगों से 80,000 रुपये की ठगी के मामले में एमएस गायत्री इंटरप्राइजेज पटना के प्रोपराइटर 32 वर्षीय गुंजन कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बीरपुर थाना की सब इंस्पेक्टर नीलू कुमारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत निवासी जुबेर अंसारी और उमर अंसारी ने पूरे मामले को लेकर 12 जनवरी 2023 को थाने में आवेदन दिया था। दिए गए आवेदन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गुंजन कुमार ने जुबेर अंसारी और उमर अंसारी से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर के नाम पर 30,000 रुपये और 50,000 रुपये लिए थे, जिसके आलोक में थाना कांड संख्या 14/2023 दर्ज किया गया था और पूरे मामले को लेकर पुलिस काफ़ी चौकस थी। मामले के आरोपी को लगातार पुलिस के द्वारा पैसे वापस करने की बात कही गई थी, लेकिन इसी बीच गुंजन पैसे देने को तैयार नहीं था। 15 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद आरोपी को पटना स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। थाना के पालीगंज थाना के शांति नगर वार्ड नंबर 2। किस चीज में एक्यूज है ये? 420 के केस में। अच्छा, 420 का मामला है। थाना कांड संख्या 14/23 के अभियुक्त है। उनका नाम गुंजन कुमार पांडे है। हाँ। उनके पिताजी का नाम सुनील कुमार पांडे है। ये बाईपास थाना से पकड़े गए हैं, अपने थाना क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे हैं। अच्छा। रात को 2 बजे रेड करके पकड़े थे और वहाँ पटना से फिर लेकर के आए सुबह 7:30 बजे। तो आज माननीय न्यायालय के सामने में इनको प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके बाद कोर्ट का जैसा आदेश होगा। जो प्रक्रिया होगा। आपका नाम? नीलू कुमारी, सब इंस्पेक्टर नीलू, बीरपुर थाना, सुपौल जिला। थैंक यू।